19 तारीख को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पेपर करवाया गया था। उस पेपर में जो पेपर लीक की जो सबूत थे वो हम लोगों ने सरकार को दिए, एसओजी को दिए, अधीनस्थ बोर्ड को दिया। अधीनस्थ बोर्ड ने अपने प्रतिनिधि को हमारे साथ भेजा और हमने वहां पे एफआईआर दर्ज भी कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी कल शाम को हमने वापस कई ऐसे तथ्य और सबूत दिए थे उनको, जिसमें साफ साफ ये साबित हो रहा है कि भी पेपर आउट हुआ है। दूसरी चीज, जो पेपर है उसमें से 80 के करीब क्वेश्चन उसमें मिलान खा रहे हैं, तो ऐसे में तुरंत प्रभाव से जो है अधीनस्थ बोर्ड को पेपर निरस्त करते हुए दोबारा से पेपर एक महीने के अंदर अंदर करवाने के मांग को लेकर हम पूरे राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनके जिला कलेक्ट्रेटों पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टरों को ज्ञापन देंगे और साथ में जो है प्रदेश स्तरीय आंदोलन को इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और कल से हमारा ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा, यानी कि बुधवार से, और बड़े स्तर पर इस आंदोलन को लेकर जाया जाएगा। और लगातार हम सरकार ने हमारी मांग पूरी की, जब तक हमारे प्रदर्शन जारी रहेंगे और जगह जगह पे पूरे राजस्थान में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा।